हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अगले साल डॉक्टर बनने का सपना जो आपका है उसे पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिए होंगे। त्यौहारों का सीज़न कंप्लीट हो चुका है, अब आपके पढ़ाई का सीज़न आ गया है और जैसा आपको पता है कि मैं इस बार आपके लिए धमाकेदार सीरीज चला रहा हूँ, कौन बनेगा MBBS। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प करता हूँ, मैं आपको पढ़ाने में भी हेल्प करूँगा, लेकिन मैं भी आपसे हेल्प चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े कमेंट मेरे लिए लिखें ताकि कि मैं अप्रिशिएट हो सकूं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए मुझे लोगों से प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आज का लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए धमाकेदार इनऑर्गेनिक का खजाना, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त, आज के बाद गलती नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज के बाद आप बैक बॉन्डिंग के कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि हमारा मिशन केमिस्ट्री में 170+ है। 170+ मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आपको हर एक लेक्चर दूंगा। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर सिलेबस कंप्लीट कराओगे, मैं पक्का यार, पक्का, डन एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा, एकदम धासु तरीके से, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बैक बॉन्डिंग। अगर आप चाहते हो कि अपने नॉलेज को और स्प्रेड करो तो आपको क्या करना है, एक मौका आपके पास आया है, एक मौका आपके पास आया अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। आप UCL अनअकैडमी चैंपियन लीग ज्वाइन करो और वहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जो कि हर एक वेडनेसडे, हर मंथ के शुरू के 3 वेडनेसडे को शाम के 7 बजे सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर अगले वेडनेसडे को बायोलॉजी और मंथ के लास्ट वाले वेडनेसडे को जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंबाइन एक टेस्ट होगा जिसमें 25-25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। और आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस केवल 10th स्टैंडर्ड का है, ये एक बेहतरीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और वो भी आपको पता है फ्री में, इसमें आपको पैसे नहीं देने, आपको उल्टा पैसा मिलेगा अगर आप उनके स्कॉलरशिप में अच्छा करते हो, 1 to 10 रैंक लाते हो अगर, तो मजेदार बात है, आप हर महीने जीत सकते हो 10,000 हर महीने 1 to 10 रैंक लाने पे, और 30 रैंक लाने तक आपको मिलेंगे 5,000 हर महीने। मतलब अगर आप हर महीने टेस्ट में टॉप करोगे, उस रैंक को मेंटेन रख पाओगे, तो आपको हर महीने मिलता जाएगा। और तो और बताऊं आपको कि अगर आप 31 से 50 रैंक तक लाते हो तो भी आपको मिलेगा 3,000। मतलब आपको फ्री में आपको नॉलेज स्प्रेड करना है और मनी अर्न करने का मौका मिल रहा है। आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा UCL के बारे में, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UCL का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाइए, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप बैक बॉन्डिंग की बात करोगे, हाँ बैक बॉन्डिंग शॉर्ट में लिखते हैं BB, ठीक है ना, हाँ नाम सुनते ही बहुत ज्यादा गुदगुदी होती होगी, BB पढ़ा रहे हो सर, क्या मजेदार बात है, तो जरा सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये BB है खतरनाक वाली, समझ रहे हो ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके ट्रिक्स को भी बताऊंगा आपको कि कैसे निकालोगे नंबर ऑफ पी पाए, नंबर ऑफ पी पाए डी पाए, क्या आपको पेन लगाना पड़ेगा, नहीं यार, बिना पेन लगाए आंसर निकाल देंगे, देखना मजेदार तरीके से। लेकिन पहले समझते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या है बेटा, सुनना ध्यान से, बैक बॉन्डिंग एक तरह का बॉन्ड ही लग रहा है, लेकिन लग रहा है बैक बॉन्डिंग बैक साइड से होगा। अब भैया अगर बैक साइड से बॉन्डिंग होगा तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा, जरा समझो, आपको मैं बता रहा हूं मेरा काम क्या है, कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ा के देना आपको, कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट को समराइज करना, आपका टाइम भी सेव करूंगा, टाइम सेवर कोर्स होगा एकदम बिल्कुल आपके लिए, और साथ ही साथ रैंक बूस्टर कोर्स होगा आपका। जरा देखना क्या नेसेसरी कंडीशन होगा बेटा बैक बॉन्डिंग के लिए। बैक बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि यहां 2 एटम होंगे, एक होगा क्या डोनर होगा, तो एक होगा क्या एक्सेप्टर होगा, जरा समझना, जो डोनर एटम होगा इसके पास या तो लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पहला बात। जो एक्सेप्टर एटम होगा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल मेरे दोस्त या तो पी हो या तो डी हो, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल पी भी हो सकते हैं और डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन। अब सेकेंड नेसेसरी कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड नेसेसरी कंडीशन कि डोनर और एक्सेप्टर एटम में
कोई एक जो होगा वो अगर होगा तो वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, मतलब वन एलिमेंट सेकेंड पीरियड का हो तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो या तो सेकेंड का हो या थर्ड का हो। ये दोनों कंडीशन है बेटा आपका बैक बॉन्डिंग होने के लिए। अब चलो भाई पहले क्वेश्चन में ही घुस जाते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन में घुस जाना है यार, डूब जाएंगे क्वेश्चन में बिल्कुल एकदम, क्योंकि आपको मैं बता दिया कि भैया अब टाइम नहीं है। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने पूछा कि बेटे बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो बैक बॉन्डिंग, इसमें से कौन से कंपाउंड हैं जो बीबी शो नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर कंपाउंड तो लिखो। लिख रहा हूं भाई, घबराओ मत। मैंने आपको बोला बेटा BH3 क्या शो करेगा, मैंने आपको लिखा BF3 क्या शो करेगा, मैंने आपको लिखा NCH3 का हॉल थ्राइस क्या शो करेगा, मैंने आपको लिखा NF3 क्या शो करेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे चेंज कर दूं भाई, लो ना यार यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अगर आप बोलोगे तो। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके पास ऐसा कंडीशन, यहाँ लिखता हूँ N और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SiH3। लो पूरा कहानी चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने बोला बताओ भाई कौन कौन से कंपाउंड है इसमें से जो कि बैक बॉन्डिंग शो करेंगे। मेरे भाई BH3 शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? यहाँ पे ना तो किसी के पास लोन पेयर है ना कोई नेगेटिव है। अगर लोन पेयर नेगेटिव नहीं होगा तो डोनर एटम की तरह कोई एक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये तो बैक बॉन्डिंग शो ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा बेटा। आप बोलोगे सर BF3 की बात करो ना सर। मैं बोलूंगा लो बेटे कर दिया। अगर आप BF3 की बात करोगे मेरे भाई तो देखो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और फ्लोरीन लिखते हो 1s2 2s2 2p5, मतलब ये सेकंड पीरियड का है भाई, सेकंड पीरियड का है। और अगर आप बोरोन की बात करोगे तो बोरोन 1s2 2s2 2p1 ये भी सेकंड पीरियड का है। तो आपने बोला था जिसके पास लोन पेयर होगा भाई वो डोनर होगा, और जिसके पास देखो डोनर होगा दूसरा वो सेकंड पीरियड का भी होना चाहिए या थर्ड। यहाँ पे देखो अगर एक सेकंड है तो दूसरा भी सेकंड या थर्ड, ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर गया मेरे भाई तो एक चीज सुन लो, यहाँ पे 1 sigma 2 sigma 3 sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब s का एक p का दो, तो भैया यहाँ पे एक p तो खाली है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, p वैकेंट ऑर्बिटल है तो भैया डोनर एटम भी है, एक्सेप्टर के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसका मतलब 100% ये शो करेगा मेरे भाई, 100% शो करेगा। अब देखो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपके पास। अब सुनो इधर, जैसे मैंने आपको बोला कि बेटे ये आप ले लो ना अगला एग्जांपल NCH3 का होल थ्राइस ले लो बेटा, ये है NCH3 का होल थ्राइस। अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ देखोगे तो देखो इसके पास लोन पेयर है, ये सेकंड पीरियड का है नाइट्रोजन, ये भी बात सही है, ये भी सेकंड पीरियड का ये भी है, लेकिन मेरे भाई यहाँ CH3 है, जरा गौर से देखो ये 1 2 3 4 सिग्मा है, sp3 है, मतलब s का एक और p का तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया, कोई भी p खाली नहीं है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। डोनर तो है बट एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। चलो भैया इस पे आ जाओ, लिख रहा है कंडीशन NSiH3 का होल थ्राइस, बहुत सिंपल यार मेरे भाई, NSiH3 का होल थ्राइस है। तो आप बोलो ना कि सर ये है N, ये SiH3 है, ये SiH3 है और यहां थोड़ा सा ओपन कर देंगे ये H3 है। भाई जरा सुनना बेटा, ये हुआ क्या आपका sp3, सर यहां भी तो sp3 है सर, बट लोन पेयर था, डोनर है। आप भी एग्री हुए कि सर सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये डोनर है सर, लेकिन मेरे भाई ये एक्सेप्टर भी है। आप बोलोगे सर कैसे सर? अरे बेटा इसके पास सिलिकन है, सिलिकन के पास लिखते हो 3p4, तो 3d वैकेंट पड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला था, एक्सेप्टर एटम मस्ट कंटेन्स आइदर p और d ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है और वैकेंट d ऑर्बिटल होने के वजह से ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा बैक साइड से और बीबी बना देगा। भाई बीबी बनेगा, बात समझना, ये बन गया बीबी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसका मतलब कि सर ये शो करेगा सर, बिल्कुल करेगा। एक और बात समझो, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको सारी बातें बताऊंगा बेटा। ये स्ट्रक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्या इंपॉर्टेंट है सर? सर इस नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन बता दो सर, जरा देखो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा है और एक लोन पेयर है, मतलब तीन बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर, मतलब चार है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आप बोलोगे सर इस नाइट्रोजन पे बता दो सर, तो यहाँ पे एक सिग्मा दो और तीन सिग्मा है, तीन बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर नहीं, जीरो लोन पेयर। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ? अरे हुआ ना यार, यही तो बैक बॉन्डिंग हुआ, बैक बॉन्डिंग के वजह से लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया और डोनेट कर दिया बेटा तो ये पाई बॉन्ड बन गया और पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड टेक पार्ट। तो ये वाला पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, अगर नहीं करेगा पाई बॉन्ड तो ओनली थ्री सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। थ्री सिग्मा बॉन्ड मतलब थ्री बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर, मतलब यहाँ थ्री हो गया टोटल, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, दो और एक तीन मिल गया, sp2 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, NCS3 का होल थ्राइस sp3, जबकि NCSSIS3 का होल थ्राइस sp2, मतलब ये प्लैनर होगा, ये प्लैनर होगा और ये टेट्राहेड्रल होगा। ये देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहां से देखने को मिला, ये बैक बॉन्डिंग का कमाल है, बैक बॉन्डिंग का। अगला एग्जांपल आपके पास रखता हूं, अगला एग्जांपल आपके पास, खूबसूरत एग्जांपल लेके चलेंगे बेटा, जरा देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि बेटे बता दो मुझे, ये लिख रहा हूँ B3N3H6, आपको बहताना है भैया इसमें बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं? पहले बोलोगे सर इसका नाम बता दो, बहुत फेमस नाम है यार, बहुत फेमस, इनऑर्गेनिक बेंजीन। आप बोलोगे सर अभी तक तो ऑर्गेनिक बेंजीन पढ़ रहे थे पर इनऑर्गेनिक में भी बेंजीन है, बिल्कुल है। अच्छा इसको क्यों बेंजीन नाम दिया भाई? बिल्कुल सिमिलर बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हो, C6H6 लिखते हो, यहाँ देखो 6 और 6 12 एटम है, यहाँ भी 3 3 6 और यहाँ पे टोटल 12 एटम, नंबर ऑफ एटम सेम है और बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर आइसोस्ट्रक्चरल है। पूछा जाता है B3N3H6 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, तो ये बेंजीन कैसे बनेगा भाई स्ट्रक्चर? अगर आप देखोगे यहाँ पे बोरोन नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है 6, यहाँ अल्टरनेट पे लगा दो, ये बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन, सुनना बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ बोरोन, ये नाइट्रोजन, अल्टरनेट पे लगा दिया भाई। अब देखो हाइड्रोजन 6 है, किसी को नाराज मत करो मेरे भाई, सबको आप एक एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रखते चले गए और ये इनका लोन पेयर। अब आप एक बात मजेदार पूछोगे, सर इसमें बैक बॉन्डिंग है क्या? है, कैसे है सर? जरा देखो ध्यान से बेटा, जरा देखना ध्यान से, गौर करो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये डोनर एटम है, डोनर है ये, यहाँ पे 1 2 3 है, sp2 है और sp2 मतलब s का 1 और p का 2 और ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गया हाइब्रिडाइजेशन में, एक खाली है, यहाँ पे भी बोरोन के पास एक खाली है और यहाँ भी बोरोन के पास एक खाली है। ये बोलेगा भाई तेरा घर खाली है, मेरे पास कुछ आवारा कुत्ते हैं जिसको लोन पेयर बोल रहे हैं, इन आवारा कुत्तों को भेज देता हूँ तेरे घर बैक डोर से, फ्रंट डोर से नहीं, और बीबी बना देता हूँ, बन गया बैक बॉन्डिंग। यहाँ भी अपने आवारा इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, बैक बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ भी अपने आवारा इलेक्ट्रॉन को ये अपने इसके वैकेंट और वाइटल के साथ भेजेगा और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। अब जरा गौर से देखो बेटा, ये लॉन पेयर, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, मतलब डबल सिंगल अल्टरनेट पे दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक बेंजीन, इसलिए इसका नाम दिया गया है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका मतलब यहाँ पे पीपाई पीपाई बॉन्ड हुआ बेटा, यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है 2p था, यहाँ क्या है 2p है, तो बेटा 2p के इलेक्ट्रॉन 2p में गए तो जो ये पाई बॉन्ड बना ये पीपाई पीपाई बैक बॉन्ड कहलाएगा, ये कहलाएगा पीपाई पीपाई बैक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अब आपको एक चीज समझाता हूँ भाई कि ठीक है सर यहाँ पे पीपाई पीपाई बैक बॉन्ड हो गया, अगर मैं आपको बात करूँ, अगर मैं बात करूँ बेटा इधर सुनना, ये है आपके पास BF3। अगला कंडीशन, एक तो ये समझ में आ गया बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है खतरनाक क्वेश्चन सब पूछ देगा, ठीक है ना, यहाँ पे पूछेगा बेटा कि बताओ इनऑर्गेनिक बेंजीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा लोन पेयर नहीं लेना, लोन पेयर नहीं लेना, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर चुका है बैक बॉन्डिंग में, इसलिए 1 2 3 पाई बॉन्ड नहीं, केवल 3 sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। बिना कुछ कहे आप करेक्ट आंसर करोगे, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, वैसे ही
इनऑर्गेनिक बेंजीन का हर एक एटम जो दिख रहा है, बोरॉन नाइट्रोजन, वो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, तो अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि सर अगला एग्जाम्पल बताओ। लो भैया सुनना इधर, अगला एग्जाम्पल आपके पास मैं लिख रहा हूँ BF3। सबसे पहले मुझे बता दो क्या ये कंपाउंड बैक बॉन्डिंग शो करेगा? करेगा। अभी बताया था आपको कि इसके पास लॉन पेयर है बेटा, डोनर होगा, और यहाँ sp2 है तो एक पी खाली है, इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इजिली इसको डोनेट करेगा। करेगा भाई, एग्री कर रहे हो आप? अगर ये करेगा तो बैक बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे हो गया बैक बॉन्डिंग। अगर मैं यही लिख दूं कि सर BCl3 है सर, क्या ये बैक बॉन्डिंग करेगा? करेगा। कैसे करेगा भाई? इसके पास लॉन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा बैक सेंट से और बैक बॉन्डिंग करेगा। अगर मैं लिखता हूं कि बेटा बता दो क्या ये BBr3 है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा? आप बोलोगे सर करेगा, इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा। मैं बोलूंगा नहीं करेगा। बोलोगे सर आपने तो बेवकूफ बनाया। मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं मेरे दोस्त, एक भी आपको मैंने दूसरा कंडीशन भी समझाया। क्या समझाया? कि सर एक एटम सेकेंड पीरियड का होगा तो सेकेंड एटम मस्ट बी सेकेंड और थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो मेरे भाई ये तो ठीक है 2p है सेकेंड पीरियड है, बट ये तो 4p है फोर्थ पीरियड का है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग नहीं के बराबर होगा, बहुत नेग्लेजिबल होगा, या बोल सकते हो नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अगर मैं ऐसा ही कंडीशन पूछूं कि बेटा अगर मैं Bi3 लिख देता हूं तो अब आपकी राय क्या है? आप बोलोगे कि सर फिर मजाक कर रहे हो सर, अभी तो आपने बता दिया सर कि इसके पास तो 2p है पर ये तो 5p है सर, तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नहीं उठता। मैं आपकी बात समझ गया, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में घुस गई बात कि यार बैक बॉन्डिंग के लिए हमें क्या चेक करना है। समझ रहे हो ना? एक तो एक्सेप्टर डोनर वाली बात, और दूसरा एक्सेप्टर डोनर है लेकिन फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन भी आपको चेक करना है कि भैया क्या चेक करना है। एक के पास मैंने क्या बोला, एक एटम डोनर और एक्सेप्टर में कोई एक एटम सेकंड पीरियड का होगा तो दूसरा एटम सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं ऐसा पूछ दूं कि बेटे आपके पास मैंने कंपाउंड दिया ना, आपके पास कंपाउंड दिया, क्या क्या कंपाउंड दिया आपके पास? ये दिया BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। अगर मैं पूछूं कि बेटे बताओ इसमें एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, क्वेश्चन बनता है बेटा। बहुत कमाल की बात बता रहा हूं और कमाल तरीके से पढ़ाऊंगा, आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, हर एक मिनट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, हर एक मिनट आपके क्वेश्चन करा के जाएगा, आपको लगेगा कि हर मिनट का सर ने यूज किया। बस एक कॉपी बना लेना और उसमें लिख देना ऊपर से मैं बनूंगा MBBS, क्योंकि सीरीज देख रहे हैं कौन बनेगा MBBS। समझ रहे हो ना? तो इधर देखो, ये है BF3, ये है BCl3, ये है BBr3, ये है Bi3, यही तो है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गया, ये वैकेंट ऑर्बिटल थे पर ये अंदर अंदर ही इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। मेरे भाई एसिड उसको बोलते जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लुईस ने बोला था ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर, बस इतना ध्यान रखो। बट यहां तो इसने क्या किया, इसने तो बैक बॉन्डिंग किया और बैक बॉन्डिंग करके अंदर का ही इलेक्ट्रॉन ले लिया, बाहर दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। अगर आप BCl3 की बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये भी बैक बॉन्डिंग कर गया, अगर यहाँ भी बैक बॉन्डिंग किया इसका मतलब ये भी बाहर से लेना नहीं पसंद करेगा ज़्यादा, तो भैया इस कंडीशन में भी एसिडिक करेक्टर बहुत कम होगा। अब अगर आप BBr3 की बात करोगे, ये BBr3 की, यहाँ तो भैया ये बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, तो भैया ये वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल एटम इजिली लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये एसिडिक इजिली शो करेगा। अब यहाँ देखो, अगर आप बात करते हो बेटा, अगर आप बात करते हो Bi3 की बात करते हो, तो यहाँ कमाल की बात है, यहाँ भी लॉन पेयर है लेकिन यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, बट यहाँ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग और कम हो जाएगा बेटा। क्यों कम होगा सर? ये 2p है और ये 5p है, ये 2p है और ये 4p है, ये 2p है और ये 3p है, और ये 2p है और ये 2p है, सेम एनर्जी में, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में बेटा,
इजिली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा, बट यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। देखो 2p3p, 2p4p, 2p और 5p एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होने का चांस बहुत 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 कम हो गया। और अगर बहुत कम होगा तो ये बाहर से इजिली इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अवेलेबल रहेगा, खाली रहेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में Bi3 का एसिडिक कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू दिस सबसे ज्यादा होगा। एकदम भैया मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आप अपने हाथ को रोक नहीं पा रहे होंगे लाइक और कमेंट करने से, और अगर रोक पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट नहीं करना चाहते, मुझे अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। आप नहीं भी करोगे अप्रिशिएट तो मेरा कमिटमेंट है, मैं जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपके लिए, वीडियो आप ही के लिए बनाऊंगा। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है बेटा टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगला जो पार्ट लिखने जा रहा हूं यह है टाइप्स ऑफ बीबी, बैक बॉन्डिंग के टाइप्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ट्रिकी बनता है। अगर आप ट्रिक समझ लोगे ना, आपका समय ना बचा दूँ तब मुझे कहना, आपका समय बचा दूंगा आपका, सिलेक्शन होगा आपका, आप डॉक्टर बनोगे, आपके अलावा कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप में वो जुनून है, आपने मेरा वीडियो शेयर मारा, यार मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आ जाओ दिखा देते हैं हम लोग दम। टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग भाई, पी पाई डी पाई, मैं ज्यादा कहानी सुनाना नहीं चाह रहा हूं। ये नहीं पूछेगा भैया एक कंपाउंड दे देगा, लो ना यार SO2, बताओ नंबर ऑफ पी पाई बैक बॉन्ड कितना होगा। आप सोचोगे यार ये कैसा क्वेश्चन आया, कैसे निकालू, भूलना ही नहीं यार, आपको कौन बोला कि आप स्ट्रक्चर बनाओ। ट्रिक कब काम आएगा चंद्रहास सर का, ट्रिक कब काम आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करो, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, SP आ रहा है, SP2 आ रहा है, SP3 आ रहा है सर, SP3D आ रहा है सर, SP3D2 आ रहा है सर, अरे भाई आने देना यार, SP3D3 आ रहा है, आने दे, कुछ भी आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर SP आ गया तो जितने भी उस कंपाउंड में पाई बॉन्ड होंगे वो सारे पी पाई होंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं यार, कोई लफड़ा नहीं, ऑल पाई बॉन्ड पी पाई। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो जितने भी पाई बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे बोल रहा हूँ ऑल जो होंगे वो पी पाई नहीं होंगे। मतलब तब सर होगा क्या, जो फर्स्ट वाला होगा ना, फर्स्ट वाला वो होगा पी पाई, और बाकी रेस्ट पाई बॉन्ड जो होंगे ये होंगे पी पाई डी पाई। अभी थोड़ी देर इंतजार करने यार, एग्जांपल की लड़ी लगा दूंगा, झड़ी लगा दूंगा, टेंशन ना लो। अगर sp3 की बात करोगे आप, sp3d की बात करोगे, sp3d2, sp3d3 की बात करोगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, जितने भी डबल बॉन्ड है सारे पी पाई डी पाई होंगे। अरे भैया कहीं गलती नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और वो 10 का दम चंद्रहास सर ऐप को डाउनलोड कर फटाफट गूगल प्ले स्टोर से, और आपको वो 10 क्वेश्चन बेस्ट मिलेगा इस टॉपिक पे करके देखना कितनी तैयारी हुई, चेक करना अपने कॉन्सेप्ट को, मजा ना आ जाए तो मुझे बता देना। आ जाओ देखो टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात। अब बोलो ना कि सर अभी आप SO2 बोले, लो ना मेरे भाई, नाराज क्यों हो रहे हो यार, ये है SO2 का स्ट्रक्चर, ये SO2 हाइब्रिडाइजेशन लिखो ना, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर, पाई बॉन्ड को तो हटा दे भाई, उड़ा दे, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तीन हुआ, sp2 हुआ, सर sp2 है सर। तो बेटा आपको क्या बोला कि फर्स्ट वाला जो होगा वो पी पाई होगा। अब अगर आप सोचोगे फर्स्ट वाला सर इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है, मेरे भाई इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है SO2, ये है। आप सोचोगे सर ये तो कोऑर्डिनेट था, आपने डबल कैसे लिखा, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को न्यू कन्वेंशन में डबल से रिप्लेस करते हैं, बट हर जगह नहीं करना मेरे भाई, किसने बोला आपको हर जगह करना है यार, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को IPSC के न्यू कन्वेंशन में डबल बॉन्ड केवल और केवल तभी लिखना है जब इन दोनों में किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। हो गया ना मजेदार बात, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लिख देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मान लो आप HNO3 लिखते हो बेटा, आप HNO3 लिखते हो, ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये H, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट ही लिखोगे, डबल बॉन्ड मत लिख दियो, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे भाई,
मेरी बात को समझना ध्यान से, क्योंकि न तो नाइट्रोजन के पास, न ऑक्सीजन के पास, न डोनर के पास, न एक्सेप्टर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इस कंडीशन में आप डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से नहीं रिप्लेस करोगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है सर, है सर, एक पाई बॉन्ड आपने बोला पी पाई होगा, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई है, और बाकी जो एक बच गया वो पी पाई डी पाई होगा सर, एक पी पाई डी पाई हो गया। कौन काट देगा आपके आंसर को? काट नहीं सकता, चार नंबर पक्का है, चार नंबर पक्का है। मैंने आपको बोला कि बेटा एक काम कर, मुझे बताओ ना यार ClO3 में कितने पी पाई डी पाई होंगे। आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर बताओ ना सर। अरे मेरे भाई, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना है, जाओ, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी नहीं बनवाऊंगा। आप सोचोगे सर फिर, अरे मेरे भाई है ना मजेदार ट्रिक्स। देखो ये ऑक्सीजन माइनस हो गया ना, मतलब छः से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सात हो गया। अब ये मोनोवेलेंट है, आप एक बॉन्ड लगा दो, बाइवेलेंट है दो लगा दो, यहाँ भी बाइवेलेंट दो है, हो गया कहानी, हो गया। अरे मेरे भाई एक दो तीन चार पाँच, अरे एक लोन पेयर भी तो होगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन बॉन्ड पेयर, एक चार हो गया, चार मतलब sp3 हो गया सर। हाँ सर sp3 हो गया, हो गया, हो गया सर sp3 हो गया सर। तो इसमें सोचूं क्या? आपने तो लिखा दिया ट्रिक कि जितने भी पाई बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या है, पी पाई डी पाई है। तो भैया यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब दो पी पाई डी पाई होगा, और यहाँ जीरो पी पाई होगा मेरे भाई, जीरो होगा। देखो ना मजा आया ना, कितना जबरदस्त ट्रिक यार, झटके से सब कुछ निकाल दिए, झटके से बिल्कुल। आपको लगता है सर कुछ थोड़ा सा कंपाउंड बढ़ा लो, ले लेना भाई, कौन सा मना है, कोई मना नहीं है। आपने बोला कि सर चलो जीनोन वाला बात करें, सर कर लेते हैं, आ जाओ। XeO3 है ना, तो बेटे एक्सी जीनोन है। अच्छा मुझे बताओ, इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? पांच प्लस तीन इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर आठ नहीं बोल सकते थे? अरे यार थोड़ा सा तोड़ मरोड़ को बोलने का मजा लगे ना। तो यहां पर तीन, एक दो तीन, वन टू का फोर नहीं, वन टू का थ्री हो गया यहां। अब भैया ये बाइवेलेंट है डबल बॉन्ड, बाइवेलेंट है डबल बॉन्ड, बाइवेलेंट है डबल बॉन्ड, बना दिया मेरे भाई, बना दिया यार, हो गया। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक लोन पेयर, मतलब sp3 है। फिर से वही बात सर, आपने बोला तो सर कि अगर sp3 आ जाएगा सर तो जितने भी पाई बॉन्ड है सारे पी पाई डी पाई होंगे। यहाँ तीन पी पाई, तीन बॉन्ड है पाई बॉन्ड, मतलब थ्री पी पाई डी पाई होगा। भैया यहाँ पे पी पाई जिंदा नहीं रहेगा, जीरो होगा। कौन सा क्वेश्चन गलत कर दोगे आप बताओ? लगता है आपको कोई क्वेश्चन गलत होगा? सवाल ही नहीं उठता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कौन बनेगा MBBS सीरीज जो है एक जुनून जगा रहा होगा, और ये सीरीज आपके लिए रामबाण होगा। तब तक ये सीरीज चलता रहेगा जब तक आप अगले साल मेडिकल कॉलेज में नहीं घुस जाओ। अगले साल आपको मेडिकल कॉलेज में घुसना है यार, बहुत ज़रूरत है डॉक्टरों की भाई, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है। ये कोरोना ने तो बस, कोरोना ने मंदिर बंद करवा दिए, भगवान के द्वार बंद करा दिए यार, सिर्फ डॉक्टर के द्वार खुले रहे। बन जा मेरे भाई डॉक्टर, अगले साल तुम्हारी ज़रूरत है देश को। थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को यूं ही देखते रहो, ऐसे ही अप्रिसिएट करते रहो, और मेरे साथ यूं ही बने रहो। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।